हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। गूगल शीट एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। काफ़ी सारी चीज़ें आप गूगल शीट में कर सकते हो जो कि शायद एक्सेल में बहुत आसानी से ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नहीं किया हुआ है तो टोटल हम कर लेते हैं। इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सम का फॉर्मूला लगाते ही यहाँ पर टोटल, और अभी तो मैंने लगाना शुरू किया। देखिए, ये एस यू एम किया और जैसे ही एस यू एम किया तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा एंटर करिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो यहां से जाएंगे, ये देखिए, ये यहां से सेलेक्ट कीजिए और लास्ट तक जाएंगे, ये सब्जेक्ट फाइव तक जाना है, टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है। और यहां से जाकर के सम पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सम ऑटोमेटिक होता हुआ मिलेगा। ये देखिए ये, और यहां पर ये सजेस्ट भी कर देता है ऑटो फिल को, तो ये टोटल सम हो जाता है। तो ये तो सम तो आप आसानी के साथ करा लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया। तो हम आज के इस वीडियो में गूगल शीट में सीखेंगे वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करें। बड़ा आपके पास डेटा हो और वहां पर आपको कुछ चीजें फेच करानी हो तो कैसे कराएंगे। तो देखिए, वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है जो आपसे कहता है कि रोल नंबर ये है और इस रोल नंबर के स्टूडेंट का एवरेज बताइए या टोटल बताइए, जो भी आपको जानना हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैं यहां पर टोटल लिख देता हूं, ये लिख दिया टोटल। ठीक है, अब टोटल पता करना है। ठीक है, और रोल नंबर यहां दिया गया रहेगा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपडाउन बना लेते हैं। ड्रॉपडाउन कैसे बनाएंगे, फायदा हमें होगा क्योंकि व्यू लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो हम एक ड्रॉपडाउन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, डेटा टाइप पे जाएंगे और यहीं पे ड्रॉपडाउन बनाना है ना, तो यहीं पे क्लिक रखिएगा। देखिए, मैं इसे एक डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि यहीं पे ड्रॉपडाउन आपकी बन रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ड्रॉपडाउन बनेगा और तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर रोल नंबर आ गया है। अब हमको यहां पर टोटल रोल नंबर के बेस पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो यहां वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप लगाया, ये वी लुकअप आ गया। अब वी लुकअप कहता क्या है, वी लुकअप फॉर्मूला ये कहता है कि हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप कीजिए आप। लेफ्ट साइड से लुकअप करने का मतलब कि यहां पर जो भी रोल नंबर हो उसी के थ्रू लुकअप होगा। तो हम चलिए यहां पर जो रोल नंबर डालेंगे उसी के हिसाब से लुकअप करने वाले हैं। तो ये रोल नंबर हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना, ये जो पूरा दिया है ना ये सब सेलेक्ट कर जाइए टोटल। ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए। अब फ्रीज करना करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है ना एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन गया। ये A1 लिखा हुआ था और A के पहले डॉलर, 1 के पहले डॉलर, जी के पहले डॉलर, 11 के पहले डॉलर, तो ये बन गया आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगाने के बाद यहां से अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करना है, हमको रो नंबर या कॉलम नंबर ढूंढना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि रो नंबर या कॉलम नंबर ढूंढना पड़े। अब ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, जरा देखिए, ये है आपका कॉलम नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, यानी हमें टोटल ही खोजना है। तो टोटल का कॉलम नंबर हो जाएगा 6। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, बंद करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे एन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर अभी दिया नहीं गया है, तो रोल नंबर चलिए हम दे लेते हैं अभी। यहाँ पर हम एक ड्रॉपडाउन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ड्रॉपडाउन, जरा समझिएगा। यहाँ से डेटा टाइप पे जाएंगे, ये आ गए डेटा टाइप पे, और यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन पर। ये डेटा वैलिडेशन आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे जो भी रूल पहले से अप्लाइड है उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम ड्रॉपडाउन ही बनाएंगे और एक रेंज से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम अ रेंज दे दिया हमने, और यहाँ से रेंज वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया, ये हमारी रेंज है, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉपडाउन नजर आएगा, आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमको यहीं से ड्रॉपडाउन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्यों ना सेलेक्ट कर लिया जाए। तो यहां से चलिए ड्रॉपडाउन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रोल नंबर 1 का ढूंढना है, तो यहां 1 जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखेंगे, इसको मैं यहां से डन करता हूं, इसको हटाता हूं। देखिए 1 जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 का जो टोटल है वो यहां पे शो कर रहा है। अब टोटल जो शो कर रहा है उसको मैं एक डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि टोटल किस तरीके से इसमें बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 214 नंबर आ रहा है। तो रोल नंबर 1 राम का है और इनका 214 ही है, देख सकते हैं आप, दिखाई भी पड़ ही रहा होगा आपको साफ साफ एकदम। तो ये देखिए, ये राम का 214 नंबर आया हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे रोल नंबर 3, 4, 7 या 10 कुछ भी कर दें, तो 10 जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 78 आया हुआ है। किनका है ये 88, जरा देखिएगा, ये है रोल नंबर 10 का, और रोल नंबर 10 किनका है जरा देखिए, यहाँ पर ये रोल नंबर 10 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे मैं पूरा ही हाईलाइट कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से। तो जरा देखिए, ये है रोल नंबर 10 और इनका टोटल क्या आया हुआ है, इसको एक डिफरेंट कलर कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ। तो यहाँ 88 आया हुआ है, देख सकते हैं रोल नंबर 10 का कितना आया हुआ है, 88,
देखिए यहाँ पे 88 आया हुआ है टोटल, तो जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो टोटल अपने आप चेंज होता चलेगा, ठीक है। ये देखिए हो रहा है, ठीक है। 7 का क्या आया है, 68 आया हुआ है, देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर देखिए 6 का क्या आया हुआ है, 171 आया हुआ है, तो ये 6 है, जरा देख लीजिए 171 है कि नहीं, तो बिल्कुल है, यही ना है 171। तो ये चीजें बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, और ये चीजें मुझे लगता है कि एक्सेल से ज्यादा बेहतर आपको गूगल शीट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे यहां पर जो आपने लगाया है 171 आ रहा है, तो यहां पर हमको रो और कॉलम हालांकि चेंज नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सेल में इसे चेंज करना पड़ता था, तो एक बार मैच का भी यूज कर लेते हैं। मैच का क्या यूज है, मैच का यूज मैं आपको साइड में यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, इससे आपको अलग भी पता चलता रहेगा। मैच जो है आपको रो और कॉलम नंबर ढूंढ के देता है, ये तो मैंने पहले ही बताया है आपको। तो यहां मैच में हम ढूंढेंगे क्या, जैसे मान लीजिए आपको कॉलम नंबर ढूंढना है या रो नंबर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मान लीजिए हम कॉलम नंबर या रो नंबर में से कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट 5 हम ढूंढना चाहते हैं कि ये कौन से जो है कॉलम नंबर में है या रो नंबर में है, जो भी है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, अच्छा सब्जेक्ट 5 कहां मिलेगा, ऊपर ही तो कहीं मिलेगा, तो ये पूरा सेलेक्ट कर जाइए कॉमा लगाने के बाद, कर दिया, F4 दबा के फ्रिज कीजिए। फ्रिज करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, डॉलर लग जाता है भाई, डॉलर किसको नहीं पसंद है, रुपया वाला नौकरी थोड़ी ना किसी को पसंद है, डॉलर वाला ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये डॉलर लग गया है दोनों के पहले, ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पर हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है और 1 करके एंटर करना है, तो यहां 5 दिखा रहा है, तो 5 किसका है जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, सब्जेक्ट 5 का जो कॉलम नंबर है वो सब 5 ही तो है। तो इस तरीके से आप कॉलम नंबर या रो नंबर भी ढूंढ सकते हैं। ये तो कॉलम नंबर की बात रही, रो नंबर के लिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू MATCH, मैच हो गया। और अब मान लीजिए कि आपको ढूंढना है कि रो नंबर 10 कौन से रो में है, ठीक है। अब रो नंबर 10 मिलेगा तो यही किसी रो में मिल जाएगा आपको, F4 दबा के प्रेस कीजिए, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पे देखिए रो नंबर 11 में है, कैसे 11 में है जरा देखिएगा, 11 जो आया हुआ था वो कैसे आया हुआ है उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो 10 वाले में क्या है, उमेश, ठीक है, और 11 वाले में भी क्या है, उमेश है, देख सकते हैं। और उमेश का ही तो हमें पता करना था, उमेश का ही तो हमें पता करना था जो यहाँ पे आया हुआ था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ आया हुआ था, ये देखिए ये 11 आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रो नंबर है उमेश का वो 11 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कोने में, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि रो नंबर क्या है उमेश का, ठीक है। तो उमेश नाम 2 बार आया हुआ है, और उमेश का जो इस उमेश का रो नंबर है वो है 11, और रो नंबर तो 10 है, आप जानते ही है। तो ये मैच का फायदा है, ठीक है ना। और मैच का फायदा हम कैसे VLOOKUP में ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, देखिए कैसे, यहां पे देखिए इज इक्वल टू VLOOKUP लगा दिया। अब मान लीजिए 6 का ही ढूंढना है, मान लीजिए कॉमा लगाते हैं और ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और F4 दबा के फ्रिज करते हैं, कॉमा देते हैं, और यहाँ पे मैच लगाएंगे, और मैच लगाएंगे तो ये रोल नंबर 6 हमें कहाँ मिलेगा, रोल नंबर 6 का ही तो ढूंढना है, तो 6 का हमें क्या ढूंढना है, अच्छा रोल नंबर 6 का क्या ढूंढना है, तो एवरेज ढूंढना है, तो एवरेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एवरेज का कॉलम नंबर हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि गूगल शीट इतना फैसिलिटी देता है कि आप न भी दें तो भी ये आंसर आपका आ ही जाता है, लेकिन इसको भी बता देता हूं। देखिए अब यहां पर क्या करना है, 0 देना है, 0 देखिए बंद करना है, एंटर करना है, तो यहां पर देखिए 57 आया हुआ है, देख रहे हैं 57 आया हुआ है कि नहीं, देखिए यही ना है, 6 का कितना है 57 है कि नहीं, देखिए यही ना है 6, यहां पर देखिए ये 6 है, और इसका एवरेज कितना आया हुआ है, 57 आया हुआ है, जो कि आपको सीधा सीधा दिख भी रहा है। तो इस तरीके से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर दिया, तो देखिए यहाँ पर भी चेंज होगा, देखिए यहाँ पे चेंज किया, मान लीजिए कि हमको रोल नंबर 9 का पता करना है, तो 9 का ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 48.66 आया हुआ है, तो जरा देखिए 9 का 48.66 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, देखिए आया है ना। तो यहाँ से इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, और गूगल शीट मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि एक्सेल से ज्यादा बेटर वर्क करता है गूगल शीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।